जैसे कि देख सकते हो आप यहाँ पे इंजन है अपना, तो इसको ना इंजन खोलने के लिए पहले आपको इतना करने के बाद ये सही रहता है, या तो बोर्डिंग करने से अच्छा आप चेंज कर दो, बट अभी बजट कम है बोलकर लोग बोर्डिंग करें इसको। सो हे गाइस, बच्चों दिस इज राहुल बैक इन विद अ न्यू वीडियो। सो गाइस यार, आप लोग मेरा प्रीवियस वीडियो पे जितना प्यार दे रहे उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, एंड ऐसे ही देते रहना प्यार, सपोर्ट करते रहना, ताकि मैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप का मॉडिफिकेशन लाता रहूँ इन फ्यूचर, और आप लोग हेल्प होता रहे उससे। मॉडिफिकेशन या फिर सर्विस रिलेटेड कोई भी जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जिसमें मैं ऐसे वीडियो डालते रहता हूँ जिसमें आपको हेल्प हो जाए, गाड़ी की हेल्प हो या मॉडिफिकेशन हो। तो आज अपने पास आया है डीओ, ये BS4 मॉडल है, इसका ना बहुत सारा काम है यार, मतलब इसको भी मुझे एपिसोड वाइज डिवाइड करना पड़ेगा, इसमें बहुत सारा काम है, मॉडिफिकेशन भी रहेगा एंड रिपेयरिंग भी रहेगा इसमें, मतलब सर्विस भी रहेगा, बहुत कुछ है। जैसे कि इसका ब्लॉक गया हुआ है, मतलब जिसमें हम बोर्ड करते हैं हम लोग, वो ब्लॉक गया हुआ है, इसमें पूरा वाइट स्मोक आ रहा है, एंड इसके हैंडल बार भी ये सेटअप को चेंज करके हम लोग एब्जेट का सेटअप लगाने वाला है। एंड इसका जो फॉर्क है ना चुना वाला, मतलब जो गजनी बोलता है, गजनी में कोई फॉर्क बोलता है, ये भी बैंड है, मतलब एक तरफ बहुत खींचता है, इसको भी मैं रिपेयर करूँगा, क्योंकि जिस बंदे का गाड़ी है ना उसका पास थोड़ा बजट कम है, इसके लिए चलते हम लोग नया नहीं लेंगे, इन फ्यूचर हम इसमें इन टेलीस्कोपिक सिस्टम डालेंगे, बट अभी के लिए ना इसको चलाने के लिए अगर रोज़मर्रा की जिंदगी में चाहिए होता है गाड़ी, आप लोगों को पता ही होगा, तो इसके चलते हम लोग को इसमें रिपेयर करेंगे, और कैसे रिपेयर करते हैं, फॉर्क कैसे बैंड स्ट्रेट करता है, एंड जैसे ब्लॉक भी कैसे बोर्डिंग करता है, इंजन वगैरह सब मैं इस पार्ट में बताऊँगा आपको, एक एक पॉइंट बताऊँगा मैं कैसे आप कर सकते हो। फटाफट से इसको हम लोग पहले गजनी इंजन ये सब खोल लेते हैं, तो चलो पहले देखो मैं इसका इंजन कैसे उतारता हूँ, जो अपना इंजन है। तो गाइस गाड़ी कुछ ऐसा हाल में, इसका हेडलाइट भी नहीं, मतलब ये वाइजर भी टूटा हुआ इसका, तो वो सही होगा तो सारा हम लोग वाइजर भी इसका चेंज कर देंगे, एंड इसके मैं रैपिंग भी अच्छा अच्छा रैपिंग भी करवाऊंगा, मतलब एक बार मैं गाड़ी टिप्टॉप करके निकालूंगा, एंड गाड़ी का ओवरऑल कुछ ऐसा है। जो डैशबोर्ड भी टूटा हुआ है इसको भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, अरे हैंडल बार भी मतलब टोटली सेटअप चेंज होगा, मतलब एक खतरनाक वाला लुक देंगे, एंड पहले मैं दिखाता हूँ ना इसका वाइट स्मोक कैसा आ रहा है। तो गाइस कुछ इस तरह का स्मोक आ रहा है, तो इसका मैं इंजन सारा रिवील करूँगा खोल के, ब्लॉक ब्लॉक से बोरिंग करके मैं इसमें डाल के इसको पूरा सेटअप रेडी करूँगा। आप लोगों को भी ऐसे ब्लॉक वगैरह रिपेयर करना रहेगा ना, तो आप ये वीडियो देख लेना, तो आप लोगों को थोड़ा बहुत थोड़ा उनसे भी नॉलेज मिल जाएगा, नहीं तो ना आप लोग जब कोई कहीं पर गाड़ी रिपेयर करने ले जाए, फिर कुछ करने जाते ना, आप लोग बहुत मतलब बहुत ज़्यादा लूट लेते हैं, आप लोगों को पता है बहुत हद से ज़्यादा लूट लेता है, तो आप लोग को इस वीडियो के दौरान थोड़ा बहुत नॉलेज मिलेगा कि आप कैसे धोखाधड़ी से बच सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं, पहले हम लोग ना इसका इंजन उतारेंगे, इंजन उतार के क्या क्या बोल्ट खोलना पड़ेगा मैं दिखाऊंगा, और पहले ना गाड़ी को अंदर घुसा लेता हूँ, क्योंकि बारिश का मौसम चल रहा है, सुबह से बारिश आ रहा है, और अभी थोड़ा ठीक हुआ मौसम, ठीक हुआ है, धूप आने से अच्छा ही रहेगा। आप पीछे देख सकते हो पूरा पानी पानी हो रखा है पूरा, तो हम लोग क्या करेंगे ना इस गाड़ी को ना ये अंदर में घुसा देंगे ये छत का नीचे, तो यहाँ पे बारिश आने से टेंशन नहीं रहेगा, तो चलो फटाफट से इस गाड़ी को अंदर घुसा लेता हूँ। तो गाड़ी अंदर आ चुकी है अभी, तो चलो अभी इसका खोलने का प्रक्रिया शुरू करते हैं, तो पहले हम लोग इसका इंजन उतारेंगे और उसके बाद इसका जो गजनी है फॉर्क है उसको उतारेंगे। तो चलो इंजन खोलने के लिए ना पहले आपको इस सीट को निकालना पड़ेगा, तो सीट खोलने के लिए आपको पता ही रहेगा क्या खोलना पड़ता है, यहाँ पे 2-10 नंबर होता है, फिर यहाँ पे 2 स्क्रू होता है, एंड इस साइड में सेम अपोजिट साइड में अंदर में 2 होता है, यहाँ पे 2 स्क्रू होगा। तो चलो इसको खोल कर, और यहाँ पे 2 रहेगा, सब मैंने खोल के रखा था पहले, चलो इसको निक्की को निकाल लेते पहले। अगर सीट खोलने के बाद ना कुछ अंदर का व्यू ऐसा नज़ारा है, आप देख सकते हो यार, हम लोग मेरे देश की मिट्टी ये सब है, तो इस वजह से ना गाड़ी का बहुत ज़्यादा डैमेज पहुँचता है, कलर वाला सब खराब होता है अंदर का अपना पहाड़ में। तो चलो इंजन खोलने के लिए पहले हम लोग को एक्सेटर पिस्टन निकालना पड़ेगा, ये वाला ये चौक केबल, ये तो खुला हुआ है, यहाँ से खोलना है आपको, एंड देन ये एयर पाइप, देन ये भी एयर पाइप, और ये पेट्रोल पाइप, फिर यहाँ पे अर्थिंग रहेगा, अर्थिंग यहाँ पे इसका साथ रहता है, अर्थिंग यहाँ पे होगा, उसको भी निकालना पड़ेगा। इसके लिए पहले इसको वाइजर को मैं उतार लेता हूँ बढ़िया से साइड का। सो गाइस जैसे कि देख सकते हो आप, हमने इसका सारा वाइजर खोल दिया, पीछे का जो कावल वगैरह है, आगे का सेंटर नोज, मतलब सब वाइजर फ्लोर वगैरह सब निकाल दिया, क्योंकि इसका वाइजर सब मतलब थोड़ा बहुत नया लगने वाला है, तो इसलिए मैं सारा उतार दिया। अभी इंजन उतारने के लिए ना आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये कार्बोरेटर का दोनों दिख रहा है का, ये दोनों खोलना है, ये दोनों, ठीक है, ये दोनों खोल के ना फिर इसको एक्सेटर पिस्टन को इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा के इसको निकाल देना, एंड फिर आप फिल्टर बॉक्स में देख सकते हो यहाँ पर बहुत अंदर, यहाँ पे एक नट है 10 नंबर, यहाँ पे एक 10 नंबर नट है, ठीक है, ये दोनों को निकाल लेना, फिर फिल्टर बॉक्स निकालना है आपको। तो चलो पहले मैं फिल्टर बॉक्स निकाल लेता हूँ। तो इसका फिल्टर बॉक्स भी निकल चुका है, अब ना इसको निकालने के लिए
पहले आपको इसका जो ये फिल्टर क्लच कवर में हॉर्स पाइप जैसा लगा है कुछ, तो इसको यहाँ पे स्क्रू रिमूव इसको लूज करके इसको निकाल लेना है। देन आपको ब्रेक केबल निकालना है यहाँ से पूरा लूज करके, ये यहाँ से 8 mm बोल्ट को निकालते हैं, फिर ये केबल निकाल देना है आपको। फिर सस्पेंशन का ये खोलना है आपको, नीचे वाला 12 नंबर बोल्ट, यहाँ पर अर्थिंग दिख रहा है आपको, ये 10 नंबर बोल्ट, ये वाला ब्लैक वाला वायर ये ग्राउंड है, इसको निकाल लेना है। यहाँ पर प्लग कैप जो है अपना प्लग कैप, इसको ये प्लग कैप निकाल लेना है। यानी यहाँ पे 70 mm का बोल्ट है, इसको भी निकाल लेना है, इसको लूज करके पूरा एक्सेल होगा निकाल लेना है। तो चलो इसको भी मैं कर लेता हूँ पहले, फिर इंजन को डिवाइड कर देता हूँ बीच से। फिर यहाँ पे जो सॉकेट वगैरह है यहाँ पर सब सॉकेट खोल लेना आपको, जितने भी इंजन से आया सब सॉकेट खोल लेना। तो गाइस जैसे कि देख सकते हो आप यहाँ पे इंजन है अपना, तो इसको ना इंजन खोलने के लिए पहले आपको इसने सब कवर दिया है यहाँ पे सेफ्टी के लिए, तो मिट्टी डस्ट नहीं जाने के लिए कवर खोलना पड़ेगा। कवर खोलने के लिए ना अभी हम देख सकते हो यहाँ पे स्क्रू दिया है, ठीक है, इसका नीचे यहाँ पे स्क्रू है, यहाँ पे 8 mm नट है, सेम नीचे भी है इधर में, और यहाँ पे एक स्क्रू है, फिर अपोजिट साइड में यहाँ पे स्क्रू है, यहाँ पे स्क्रू है, यहाँ पे 10 mm का है, तो ये सब खोलना पड़ेगा आप। और उसका पहले ये दोनों देख रहे हो आप, ये हॉर्स पाइप का 10 नंबर यहाँ पे दिया है, ये खोलना है, और यहाँ पे तीर है, तीसरा है, तीन टू है, ये 1, 2, 3 तीनों खोलना है। वो खोलने के बाद आपको एग्जॉस्ट खोलना है, एग्जॉस्ट के यहाँ पे 10 mm का दो दिया हुआ है नीचे की तरफ, एंड यहाँ पे सेम इधर 14 mm नीचे एक एंड ऊपर एक यहाँ पे, तो ये चारों को खोल लेता हूँ पहले मैं। अभी हम लोगों के ना इसको इसको मेनली इसको ब्रोक बोर करना है, हम लोगों को ब्लॉक बोरिंग करना है, तो इसको खोलना है हम लोग। इसको खोलने के लिए पहले स्टार्टिंग से हमें टॉप से खोलना पड़ेगा, और उसका पहले ना मैं सब साफ़ कर लेता हूँ पूरा गंदा सब, नहीं तो फिर अंदर घुसने का चांसेस रहेगा। तो इंजन खोलने के ना पहले हम लोग टॉप पर खोलना पड़ेगा, टॉप पर खोलने के लिए यहाँ पर देख सकते हो 2 बोल्ट है 10 नंबर का, तो दोनों खोल लेता हूँ पहले। टॉप पर खोलने के बाद यहाँ पे देख सकते हो आप ये टैपिट वगैरह, यहाँ पे कैमशाफ्ट, रॉकर, इधर टाइमिंग चेंज पॉकेट। टॉप को खोलने के बाद टेंशन लूज करना पड़ेगा हम लोग को, पहले अपने स्क्रू दिया हुआ है, तो स्क्रू को खोल लेता हूँ पहले। तो हम लोग को अभी इसको खोलना है, इसको जो 8 mm सॉकेट दिया है पूरा काला हो रखा है, ये एंड ये दोनों। तो इसको खोलने के बाद ना आपको आराम से ये पॉकेट को निकाल लेना है कुछ इस तरीके से, बारह नंबर रिंग का मैच है ना आपको ये चारों बारह नंबर का बोल्ट खोलने ला है, 1, 2, 3, 4 आपको क्रॉस खोलना है, मतलब जैसे ये ऐसे नहीं खोलना है, ये पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये ऐसे क्रॉस खोलना है। यहाँ पे 2 10 नंबर का दिया हुआ है, इन दोनों को भी खोल लेना है, तब जाकर आपका हेड निकलेगा। तो आप निकालते हैं अपना हेड, आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा ऑयली ऑयली हो रखा है, बट ये जगह पूरा ड्राई होना चाहिए, क्योंकि जब क्या होता है ना स्मोक स्मोक कर रहा है, मतलब स्मोक निकल रहा है ना,
तो इंजन का ऑयल, इंजन ऑयल सब यहाँ पे आ रहा है। इसका होता है गाड़ी ना कभी कभी स्टार्टिंग प्रॉब्लम दे जाता है, कंप्रेसर डाउन रहता है, तो हम लोग को इसको भी साफ़ करना है और वाल्व दोनों चेंज करना है। बट इसको भी रखते हैं साइड में, हेड को अपना ब्लॉक इसको निकाल लेते हैं पहले, टाइमिंग चेन गाड़ी निकाल लेता हूँ एंड ब्लॉक इसका निकाल लेता हूँ। सो गाइस ये रहा अपना पिस्टन एंड यहाँ पर है ब्लॉक। गाइस ब्लॉक में क्या होता है ना, इधर जगह में लाइनिंग पड़ जाता है, तो जिसके चलते ना क्या होता है, ऑयल ऊपर आ जाता है लाइन से, पतला पतला लाइन से ऑयल ऊपर आ जाता है, तो ऑयल ऊपर आके प्लग में आता है, तो प्लग में आने से क्या होता है, प्लग शॉर्ट हो जाता है, तब जाके गाड़ी स्टार्टिंग प्रॉब्लम देता है। तो ये लाइनिंग को मतलब नहीं होना चाहिए, ज़्यादा लाइनिंग नहीं होना चाहिए, तो इसके बारे में बताऊँगा मैं बोर्डिंग करने के बाद, ये सही रहता है या फिर बोर्डिंग करने से अच्छा आप चेंज कर दो। बट अभी बजट का मैं बोल कर लोग बोर्डिंग करें इसको, और बोर्डिंग करने से आप एक बार बोर्डिंग कर सकते हो, बट दो बार तीन बार मत करो, वो उसके लिए आप लोग खराब होगा, तेल ज़्यादा पिएगा, गाड़ी इतना माइलेज पिकअप नहीं देगा, जितना हिसाब जो हिसाब तेल पिएगा ना वैसे हिसाब पिकअप नहीं मिलेगा आपको। इसलिए एक बार एक स्टेप बोर्डिंग कर सकते हो आप, मतलब 25 mm। चलिए इसको अभी रखते हैं साइड में ब्लॉक को, यहाँ पर भी हल्का हल्का लाइनिंग है पिस्टन में, तो पिस्टन भी चेंज हो जाएगा। चलो पिस्टन को भी निकाल देता हूँ। पिस्टन निकालने के लिए ना यहाँ पर लॉक दिया होता है, एक हार्ड मटेरियल का रबर वायर होता है, मतलब तार होता है, अंदर में नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पर लॉक होता है वायर का, तो इसका निकाल लेता हूँ मैं पहले। सो गाइस यार अभी ना इसका जो वाल्व है ऊपर ऊपर, इसका जो वाल्व है मैंने वाल्व भी निकाल दिया है एंड ये रहा स्प्रिंग वगैरह जो वाल्व को प्रेशर देता है एंड आप इसका ना गाइड कैसे चेक करते हो, गाइड इसको बोला जाता है असल में बालो धागा, इसका ये है वैक्सी, इसका नीचे गाइड, दोनों तरफ गाइड रहता है, ठीक है। ये गाइड भी कभी ख़राब होता है तो वो कैसे चेक करें आप, पहले ना आप वाल्व को घुसा लो अंदर, फिर जो इधर का जो है ना वाल्व सील में पूरा ज़ोर से उंगली से प्रेस करके रखो, फिर वाल्व को ज़ोर से खींचो, एक साउंड मिलेगा आपको, सुनाई दिया। चलो एक बार ट्राई करके दिखाता हूँ, ये साउंड हो रहा है मतलब आपका जो गाइड है ठीक है, इसमें कंप्रेसर लीक नहीं हो रहा है एंड सेम एग्जॉस्ट वाला भी चेक कर लेता हूँ मैं, इसको अंदर डाल के वाल्व सील में उंगली से प्रेस करके ज़ोर से खींचना आपको, ये साउंड हो रहा है मतलब ये वाल्व ठीक है। अगर साउंड नहीं मिल रहा है ना आपको, मतलब ये कंप्रेसर मतलब रोक नहीं पा रहा है, वाल्व में गैपिंग कम है तो यहाँ से लीक हो जाता है साइड से, तो आप लोग तब गाइड जो गाइड खराब है वो चेंज कर लेना, अगर अगर बजट है तो पूरा हेड ही चेंज कर देना तो सही रहेगा। इसका कैम शॉप भी खोल लेता हूँ, ये रहा कैम शॉप, यहाँ पे आपका रॉकर आर्म, इसको भी चेक कर लेना, ये बियरिंग ये रोलर बियरिंग होता है, ये प्ले हो जाता है, इसमें तो प्ले नहीं है, ये ठीक है, ये भी ठीक, रॉकर आर्म भी ठीक है। सो कैम शॉप चेक कर लेता हूँ, ये भी ठीक है, कैम शॉप रॉकर सब ठीक है, बस बल्ब नया लगा दूंगा बस हो जाएगा। तो चलो अभी ब्लॉक एंड जो अपना फ्लॉर्क है उसको लेके चलते हैं रिपेयर करने, जो कि अपना 80 रोड में है, तो चलो फटाफट चलते 80 रोड।